आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास चैप्टर थर्ड, चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए बेटा. ओके, टुडे वी विल डू सेक्शन ए एमसीक्यूज. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर वन. द वैल्यू ऑफ -1^n इज इक्वल टू -1 इफ एन इज. तो वो आपने ऑप्शन गिवन है, क्लियर है. इवन नंबर है, ओड नंबर है, ए या बी है ऑप्शन, या नन ऑफ दीज. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो बेटा. ओके, वाइल डूइंग द मैथ्स वर्क ओपन योर बुक एंड नोटबुक. ओके, एंड द बुक एंड नोटबुक इन योर हैंड, शुड बी इन योर हैंड बेटा. माइनस सॉल्यूशन, इफ आई टेक द पावर एन इज इक्वल टू 1, देन द रिजल्ट इज -1, एंड इफ आई टेक एन इज इक्वल टू 2, देन द रिजल्ट इज 1 बेटा. When I take n is equal to 1, then -1, and when I take n is equal to 2, then it's come plus value come. It means plus 1. It means जो power 2 है वो even power मैंने ली है, और 1 है वो कैसी है, odd है. जैसे कि मैंने नीचे लिया है n is equal to 3, ये odd number है. अगर मैं odd number को 3 times multiply करूँगी तो result क्या आएगा, -1. तो यहाँ ऊपर जो value है -1 की power n is equal to -1 कब होगी, जब आपकी n की value क्या होगी, odd होगी. जो n है ना आपका वो odd number होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. 6 की पावर 6 इनवर्स -9 इनवर्स होल रेज टू पावर -1. अब जो इनवर्स है बेटा उसको राइट करेंगे 1/6 की फॉर्म में. ओके, ठीक है. जैसे एक्स का इनवर्स है, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1/x, हम ऐसे राइट करते हैं, क्लियर है. तो ऐसे ही 6 का इनवर्स क्या राइट होगा, 1/6, एंड 9 इनवर्स -1/9 एंड होल टू द पावर -1, और पावर क्या है -1. अब -1 का मतलब भी क्या, इनवर्स है, तो ये भी डाउन में जाएगा डिनोमिनेटर में. तो ऐसे ही 1/1/6 -1/9. अब 6 और 9 का हम लेंगे एलसीएम. अब 6 और 9 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारा 18, ठीक है बेटा. ये आपका एलसीएम है, क्लियर है. अब इसे सोल्व किया तो आंसर आया 1/18, और सिंपल अगर इसको राइट करेंगे, क्लियर है, तो 8/, क्योंकि ये आपका ऐसे है 1/1/18. अब इसे राइट करेंगे डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 18. तो 18 क्या हो जाएगा, आंसर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, नॉट अ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. बाय मिस्टेक इट हैज़ रिटन क्वेश्चन 3, बट इट्स क्वेश्चन 4. द वैल्यू ऑफ 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पर -2 प्लस 1/2 रेज टू पर -2 इज. अब देखो सभी में, आपके में सभी में पावर क्या है, -2 की फॉर्म में है. जब भी पावर माइनस में पावर हो बेटा, पावर किस में हो, माइनस में, तो उसको बोलते हैं इनवर्स. अगर इसे सिंपल करके लिखेंगे तो आ जाएगा 3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव करनी है, क्लियर है. ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर क्या आ जाएगी, 2, एंड प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम, क्लियर है. अब इसे सॉल्व किया तो 3 को 2 टाइम्स राइट किया तो ये क्या आया, 9. ओके, 4 4 जा 16, एंड 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, एंड 3 3 जा 9. सभी को ऐड करेंगे तो आंसर आया 29. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द वैल्यू ऑफ 2/3 की पावर 0 प्लस 2/3 की पावर 0 इज. अब किसी भी नंबर की, रैशनल नंबर की पावर 0 तो आता है वो 1, क्लियर है. अब यहाँ पे रैशनल नंबर आपका 2/3 है और इसकी पावर 0 है, इट मीन्स क्या होगा, 1. ओके, तो 1 इसमें आएगा, 1 प्लस का साइन यहाँ पे, और ये आ गया आपका 1. तो 1 + 1 = 2 बेटा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द वैल्यू ऑफ 4 स्केयर -2 स्केयर, इसको स्केयर भी बोल देते हैं, 4^2, 4^2 -2^2 2/3 रेज टू पावर -2 इज. अब हमें ये सोल्व करना है, क्लियर है. अब देखो 4^2, इट मीन्स 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 × 4, तो क्या आएगा, 16, क्लियर है. ऐसे ही 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, क्लियर है बेटा. तो हमने ये सोल्व कर लिया यहाँ पे नीचे, 16
एंड माइनस फोर। अब ये है टू अपॉन थ्री और यहाँ पे पावर आपकी माइनस टू है। अब अगर माइनस टू और पावर प्लस करनी है तो इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाता है 3/2 और पावर प्लस में हो जाएगी, रेज टू पावर टू। क्लियर है, प्लस में पावर हो गई। अब ये 3/2 है, ठीक है, स्केयर हो गया, तो 3 को भी 2 टाइम्स राइट करेंगे और 2 को भी 2 टाइम्स राइट करेंगे, तो हम करेंगे 3 3। क्लियर है बेटा। और ये जो आपका 16 - 4 ये क्या था आपका 12 आया था, यहाँ पे 12। अब इनको क्या कर देंगे, कट करेंगे। अब कट करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6। अब ये 3 × 3 = 27। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1/3 - 1/2 - 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1/4 - 3। अब अभी वही है, अगर हमारी पावर माइनस की फॉर्म में है तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ओके, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये इनवर्स बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर आपका जो 1/3 है इसकी पावर ये रहा बेटा एक्स की और 1/x, अब यहाँ पे 1/3 है और इसी की पावर क्या है, -3 है, तो ये खुद भी क्या है, न्यूमरेटर रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट किया हुआ है, तो इसे हम राइट करेंगे 3 और पावर हो जाएगी प्लस में। क्लियर, 3 3 टाइम्स होगा तो आएगा आपका 27 एंड 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो माइनस, और बीच में साइन माइनस का है तो 8 हो जाएगा, और डिवाइड में 4 की क्यूब। अब 4 का क्यूब है 4 4 = 16 16 4 = 64 बेटा, तो 27 - 8 आपका आ गया 19, ओके, एंड डिवाइड बाय 64 तो आंसर हो गया 19/64। जब भी आपका क्वेश्चन में m डिवाइड बाय n है तो आपका हो जाएगा m/n। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू जो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है बेटा, क्लियर है, तो हमने क्या किया 19/64 हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इफ 5/3 - 5 × 5/3 = 5/3 × 8x लिखा हुआ है इसमें, 5/3 × 8x है ऊपर। अब देखो सभी के बेस सेम है, 5/3 5/3 5/3, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हम बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल में कर लेते हैं, ओके, और ये मल्टीप्लाई में है। अगर हमारे बेस सेम है और पावर अलग है, x की पावर m और मल्टीप्लाई में है x की पावर n, तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है x की पावर m प्लस n। क्लियर है, तो ये जो माइनस 5 और 11 है ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 6 और ये है आपका 8x। क्लियर, अब देखो 5/3 यहाँ है, 5/3 यहाँ है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेंगे, 8x = 6 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे 6, और जो मल्टीप्लाई में है ये आपका चला जाएगा डिवाइड में। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3/4 बेटा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर शुड -8 का इनवर्स बी मल्टीप्लाई टू गेट 20 इनवर्स, कि भाई अब ये कहता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ कि 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे रिजल्ट मेरा 8 आए, ओके, तो मुझे वो एक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो एक्स नंबर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, x = 8 और डिवाइड में जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 = 8, तो इट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही 8 आएगा ना, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो हम उस लेट कर लेंगे उस क्वेश्चन को, वो जो हमने निकालना है ना कि नंबर, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करना है, x मान लिया। अब यही है, -8 का इनवर्स करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/8 मल्टीप्लाई एक्स, और 20 का इनवर्स 1/20 होता है। अब x की -1 से होगा तो -x/8 = 1/20। अब ये 8 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो ये -x = 8/20 और डिवाइड करेंगे 4 की टेबल में, 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो ये आ जाएगा आपका
टू अपॉन फाइव, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, माइनस में वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस टू अपॉन फाइव. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 3.006 इंटू 10 एज टू पावर माइनस फाइव, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, और वो आपको कह रहा है कि आप जैसे यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं ना 0, 0 लगा के, आपको ऐसा करके दिखाओ हमें, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है 3.006 मल्टीप्लाइड 10 एज टू पावर माइनस फाइव, तो इसे हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर 10 की पावर माइनस फाइव है, 10 की पावर माइनस फाइव है, इस पावर को हमें प्लस करना है, तो ये कैसे जाएगी, 1 अपॉन 10 की पावर फाइव, ठीक है. ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल में. अब 10 की पावर फाइव मीन्स 5 0, 1 अपॉन यहाँ पे आपकी कितनी ज़ीरो लग जाएंगी, 5 0 आ जाएंगी, क्लियर है. अब ये देखो, ये है आपका 3.006, अगर इसके डेसिमल हटाने हैं 3.006